मैं डॉक्टर पी के वर्मा अपने सभी शिक्षक मित्रों और प्रिय छात्र छात्राओं का एनिमल किंगडम के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का दो विकसित फॉर्म, एक सिलेंट्रेटा और दूसरा निडेरिया को एक साथ डिस्कस करूंगा। इसके पहले आपने पोरीफेरा पढ़ा, वह भी डिप्लोब्लास्टिक था। ल्यूकार्ट नाम के वैज्ञानिक ने 1847 में पोरीफेरा, निडेरिया और टीनोफोरा, इन तीनों डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के समूह को, जिनमें सेल का दो ही लेयर बॉडी वॉल में पाया जाता है, एक साथ रखा था। लेकिन बाद में हैसेक नाम के साइंटिस्ट ने 1888 में पोरीफेरा को अलग कर दिया और सिलेंटेटा टीनोफोरा को अलग कर दिया। इनमें रेडियल सिमिट्री या बायरेडियल सिमिट्री पाया जाता है। कोई एनिमल, बल्कि कहिए ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल, ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, नली नुमा लंबे होते हैं, उन्हें पॉलीफॉर्म कहा जाता है। जबकि कुछ की रचना छाते नुमा होती है, छतरी नुमा, इन्हें मेड्यूसा फॉर्म कहा जाता है। इनमें बाहर एक्टोडर्म और अंदर एंडोडर्म, ये दो लेयर्स हैं, और उनके बीच में गाढ़ा जेली जैसा पदार्थ भरा रहता है, इसे मीजोग्लिया कहा जाता है। पोरीफेरा में इसे मीजेनकाइम कहा जाता था और उसके कई प्रकार के अमीबॉइड सेल्स और स्पाइक्यूल्स पाए जाते थे, स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जाते थे। लेकिन सिलेंटेटा के मीजोग्लिया में स्पाइक्यूल्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स और कोई अपना अमीबॉइड सेल्स नहीं मिलता है, यानी इसे नॉन सेलुलर सिक्रीशन कहा जाता है। अब एपिडर्म का निर्माण 6 या 7 प्रकार के सेल से हुआ है और एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्म का निर्माण 5 या 6 प्रकार के सेल से होता है। यह सभी सेल रचना में एक दूसरे से अलग और क्रिया में भी एक दूसरे से अलग है। इसलिए एक्टोडर्म और एंडोडर्म को टिश्यू मानने में कठिनाई महसूस होती है। ऐसा लगता है कि ये सेल के समूह हैं, इसलिए एक्टोडर्म के बदले एपिडर्म और एंडोडर्म के बदले गैस्ट्रोडर्म, इन दो अलग नामों का प्रयोग कई सारे वैज्ञानिक करते हैं। इनमें एक बहुत विकसित रूप है सी एनिमोन का, जिसमें मस्कुलर डायफ्राम पाया जाता है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि सी एनिमोन में तीसरा टिश्यू लेयर या मीजोडर्म का निर्माण हो गया है। अब इनमें एक बड़ी कैविटी होता है, जिसमें जो सिलोम का भी काम करता है और भोजन नली यानी इंटेरॉन का भी काम करता है। इसी में पचे हुए पदार्थ पानी में घुलकर विभिन्न एंडोडर्मल सेल तक पहुंचते हैं, इसलिए एक तरह का यह परिवहन तंत्र भी बनता है। तो इसलिए इसे सिलेंटेरॉन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा गया। जेली फिशेज में यह 4 भुजाओं में बंटकर स्टोमक और इंटेस्टाइन नाम से भी जाना जाता है। अब इसके मीजोग्लिया में एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों से बनकर नर्व सेल्स चले आते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हुए मस्कुलर सेल्स और सेंसरी सेल से जुड़ते हुए यह नर्व नेट का निर्माण करते हैं। यह नर्व नेट इनका सबसे प्राइमिटिव नर्वस सिस्टम है, एनिमल किंगडम का सबसे प्राइमिटिव नर्वस सिस्टम है। लेकिन इसमें ब्रेन जैसा कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम
या गैंग्लिया नहीं पाया जाता है। रचना की दृष्टि से हर न्यूरॉन मल्टीब्रांच्ड है, ढेर सारे नर्व फाइबर्स निकलते हैं, इसलिए यह मल्टीपोलर है। लेकिन इसमें एक्सॉन और डेंड्रॉन का भेद नहीं है। किसी भी नर्व से संवेदना का आना और जाना दोनों डायरेक्शन में परिवहन संभव है। इनमें सेंसरी सेल की उत्पत्ति हो चुकी है। इसमें एक विशेष प्रकार का स्टिंगिंग सेल या निमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट सेल पाया जाता है, जो किसी अन्य एनिमल फाइलम में नहीं मिलता है। इसलिए इस सेल के नाम के आधार पर इस फाइलम का दूसरा नाम निडेरिया भी है। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों में बड़े बड़े सेल्स के बीच के खाली जगह पर बहुत छोटे छोटे इरेगुलर आकार के सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें इंटरस्टीशियल सेल कहते हैं। इनमें लगातार माइटोसिस होते रहता है और ये अपने लेयर के किसी भी अन्य सेल का निर्माण करते रहते हैं। तो ऐसे सेल को टोटिपोटेंट सेल यानी सर्वशक्तिमान सेल माना जाता है। लेकिन एक्टोडर्म का इंटरस्टीशियल सेल सिर्फ एक्टोडर्म के सेल का निर्माण कर सकता है और एंडोडर्म का इंटरस्टीशियल सेल सिर्फ एंडोडर्मल लेयर का निर्माण कर सकता है। इसलिए अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म को अलग अलग कर दिया जाए तो ये एनिमल मर जाएंगे। अब इनमें पहली बार गोनेड्स यानी टेस्टिस और ओवरी का भी विकास हुआ। कुछ एनिमल में ये एक्टोडर्म से बनते हैं तो कुछ एनिमल में एंडोडर्म से बनते हैं, यानी कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावे होते रहता है। ये एनिमल यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और ये एनिमल बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। इनके विकास के समय जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जायगोट से विकास होता है तो स्टीरियो गैस्टूला नाम का स्टेज मिलता है और बाद में हाइड्रुला, एस्टोबिला या इफायरा लार्वा इत्यादि का निर्माण होता है। ओवेलिया में हाइड्रुला का निर्माण होता है, जबकि जेली फिशेज में एस्टोबिला और इफायरा लार्वा का निर्माण होता है। अब इनमें खासकर जो ट्यूबुलर फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म है, उनमें एक लिमिटेड पावर ऑफ रीजनरेशन है। अगर हाइड्रा जैसे किसी पॉलिप को ट्रांसवर्सली दो हिस्से में बांट दिया जाए तो ऊपर और नीचे दोनों का हिस्सा एक एक नया प्राणी बना देगा। लेकिन अगर इसे लंबे लंबी काट दिया जाए तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसमें बहुत सारे एनिमल अलग अलग, जैसे हाइड्रा अलग अलग तैरने वाला है, लेकिन ओवेलिया, बोगेनविलिया इत्यादि किसी पत्थर चट्टान पर चिपका हुआ रहता है, सेडेंटरी रहता है और वह ब्रांच्ड भी होता है। तो पहला क्लास है हाइड्रोजोआ, जिसमें नलीनुमा रचना, ट्यूबुलर या पॉलिप फॉर्म पाए जाते हैं। पहले ही मैंने कहा कि हाइड्रा फ्री लिविंग है, अकेले अकेले रहता है। निमेटोसिस्ट और गोनेट्स एक्टोडर्म से बनते हैं। हाइड्रा अनब्रांच्ड है, लेकिन ओवेलिया ब्रांच्ड एनिमल है। इसके विकास के समय प्लेनुला और हाइड्रुला लार्वा बनता है। हाइड्रा के अलावे ओवेलिया फाइसेलिया, फाइसेलिया का एक दूसरा नाम है पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, पॉर्पीटा, वेलेला, ये सब कॉलोनियल फॉर्म है। इंटरेस्टिंग है, आप गूगल की मदद से फाइसेलिया की रचना अवश्य देखें। यहाँ हम आपको हाइड्रा का स्ट्रक्चर दिखला रहे हैं। हाइड्रा में बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन हो सकता है। आप देख रहे हैं एक छोटा सा बड बनना शुरू हुआ, बड़ा होने के बाद इसमें टेंटिकल्स बनने लगता है, माउथ सबसे अंत में बनता है। इसमें टेंटिकल के नज़दीक कई सारे 5-6 टेस्टिस बनते हैं और फुट के पास ओवरी बनते हैं।
हाइड्रा का एक फोटोग्राफ देखिए, पत्ते की सतह से यह उल्टा लटका है और इससे दो बर्ड्स जिसमें टेंटिकल बन चुके हैं ये भी झूलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो हाइड्रा का जब बर्ड डेवलप करता है तो थोड़े विकास के बाद इसमें पहले टेंटिकल बन जाता है, बाद में माउथ बन जाता है। शुरू में दोनों के सिलेंट्रॉन मिले रहते हैं, लेकिन बाद में बीच की जगह पर, यहाँ आप देख रहे हैं फिगर नंबर 3 में, सूख जाता है और किसी तरह का झटका लगने से यह टूटकर अलग हो जाता है। अब देखिए, यह ओबेलिया का कॉलोनी है, आर्टिस्टिक डायग्राम है, लेकिन बड़ा ही रियलिस्टिक, बड़ा ही खूबसूरत डायग्राम है। यह दूसरा डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ ब्रांचेस टेंटिकल से युक्त हैं, यह गैस्ट्रोजोइड कहलाते हैं, यह भोजन ग्रहण करने में मदद करते हैं। जो बंद क्लब शेप में दिखाई पड़ रहा है ये इसके गोनोजोइड्स हैं, इसके अंदर ओबेलिया का मेडूसा फॉर्म बनता है और मेडूसा के अंदर टेस्टिस ओवरी बनते हैं। इसमें जो ब्रांच पत्थर पर हॉरिजॉन्टल छितराया हुआ दिख रहा है इसे हाइड्रोराइजा कहा जाता है, और जो वर्टिकल ब्रांच ऊपर उठ रहा है उसे हाइड्रोकॉलस कहा जाता है। तो यह एक समूह वाला यानी कॉलोनियल फॉर्म है। अब दूसरा क्लास है स्काइफोजोआ, जिसकी रचना अम्ब्रेला जैसी होती है, छतरी जैसी होती है, इसे मेडूसा फॉर्म कहते हैं। यह हमेशा पानी में स्वतंत्र रूप से तैरता है। इसके अम्ब्रेला के किनारे किनारे टेंटिकल्स पाए जाते हैं और 4 या 8 या 16 एक्सिस पर इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जहां एक सेंसरी ऑर्गन टेंटाकुलोसिस्ट पाया जाता है। इसके टेंटिकल्स बहुत छोटे छोटे महीन महीन होते हैं, मुंह के चारों ओर 4 आर्म्स विकसित होते हैं जो दो दो भाग में बीच से बटे रहते हैं। इनका सिलेंटेरॉन काफ़ी विकसित होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन का निर्माण कर लेता है। इनमें सभी एनिमल यूनिसेक्सुअल हैं, एक में मेल और एक में फीमेल ऑर्गेन मिलेगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन के बाद हाइडुला, एस्ट्रोबिला और इफायरा लार्वा बनेंगे। ऑरेलिया ऑरिटा यानी जेली फिश सबसे कॉमन एनिमल है। ये देखिए फोटोग्राफ जेली फिश का है, ये जो आपको गोल गोल रचनाएं दिख रही हैं बड़ी ट्रांसपेरेंट है, इसलिए अंदर की रचना आपको दिख रही है, ये इनके गोनेट्स हैं। ये 4 आर्म्स हैं जो बीचे बीच दो दो भाग में विभाजित होते हैं। अम्ब्रेला के किनारे ये सेंसरी ऑर्गन है इसका, और सीलिया बहुत छोटे छोटे हैं, टेंटेकल्स बहुत छोटे छोटे हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब आप जेलीफिश का एक मूवी के रूप में डांस देखिए, यह एक्चुअली इनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है।
यहाँ देखिए कई जेली फिशेज एक दूसरे के पास डांस कर रहे हैं, और ये जो सफेद सफेद डस्ट जैसी रचनाएं रिलीज होते आप देख रहे हैं, ये वास्तव में मेल जेली फिश ने स्पर्म्स रिलीज किया है। यहाँ भी देख रहे हैं चारों ओर ये बिखरा हुआ है, यह फीमेल के गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी में जाकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेगा। तो कुमा प्रोडक्शन ने यह बड़ा ही खूबसूरत जेली फिशेज का डांस बनाया। चूँकि हम लोग एक एकेडमिकल फंक्शन कर रहे हैं, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हमने बिना परमिशन के इस वीडियो को शेयर किया है आप लोगों से। अब देखिए सिलेंटेटा का तीसरा क्लास, कुछ एनिमल तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन अधिकांश एनिमल्स बहुत ही माइन्यूट होते हैं। ये सॉलिटरी या कॉलोनियल रह सकते हैं, लेकिन अधिकांश इनमें किसी पत्थर चट्टान या एनिमल के शरीर पर चिपक करके रहते हैं। इनका सिलेंटेरॉन मिजेंट्री के द्वारा दो भागों में बंटा रहता है, और मिजेंट्री के ऊपर निमेटोसिस्ट पाया जाता है। इसके मीजोग्लिया में मसल सेल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे थोड़ा विकसित माना जाता है। इनके लाइफ साइकिल में मेडूसा फॉर्म नहीं पाया जाता है। इनमें जो बहुत छोटे एनिमल्स हैं, समुद्र में एक विशेष तरह का सिक्रीशन निकालते रहते हैं, जो पत्थर चट्टानों में चिपक कर पत्थर की तरह कठोर घर का निर्माण करता है। हर एक स्पेसीज में घर बनाने का अलग अलग डिजाइन है, और लाखों वर्षों में घर पर घर बनते चला जाता है। इस तरह से बैरियर रीफ, फ्रिंज रीफ, कोरल रीफ्स और कोरल आइलैंड्स का निर्माण होता है। एडम्सिया तो आमतौर से किसी केकड़े जैसे एनिमल के पीठ पर चिपक के रहता है, जहाँ जहाँ एनिमल जाएगा सी एनिमोन भी वहाँ वहाँ जाता है, इससे उसको आसानी से भोजन प्राप्त हो जाता है। लेकिन कोलर बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण स्पेसीज भी हैं। ट्यूबीपोरा, इसे ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। अलसायोनियम डेडमैन्स फिंगर, इसका उपयोग सफ़ेद मूंगे के रूप में भी होता है। गॉर्गोनिया सी फैन कहलाता है। पेनाटूला सी पेन या सी फीडर कहलाता है। फंजिया मशरूम कोरल कहलाता है। एक्रोपोरा हॉर्न कोरल, मियंड्रीना ब्रेन कोरल, ये सब कॉमन है। अब एंटीपैथिस ब्लैक कोरल है, काला कोरल बहुत कम मिलता है। हेलियोपोरा ब्लू कोरल है, यह भी बहुत कम मिलता है। अक्कोरेलियम, यह लाल पत्थर है, लाल कोरल है, जिसका मूंगे के नाम से अंगूठी में यूज करते हुए आप लोगों को देखते होंगे। तो इनमें कुछ की तस्वीर देखिए,
यह हर्मिट क्रैब है, घोंघे के खाली सेल के अंदर रहता है यह, इसी के बॉडी पर यह चिपक गया है सी एनिमोन। इसका अलग से यह क्लोजअप देखिए कितना खूबसूरत, ढेर सारा टेंटिकल इसके माउथ के चारों ओर फैला हुआ है। अब देखिए सबसे ऊपर यह गॉर्गोनिया नाम का सी फैन, जिसे मैंने कहा यह गॉर्गोनिया नाम का कोरल है, यह अलसायोनियम है। बड़ा होने पर यह ब्रांच हो जाएगा और हर ब्रांच देखने में लगेगा कि किसी कंकाल की उंगलियां हैं। यह आप देख रहे हैं मशरूम के अंडर सरफेस की तरह देखने में लग रहा है, इसे फंजिया या मशरूम कोरल कहते हैं। और आप किसी एनिमल का ब्रेन देखिएगा, खासकर स्तनधारियों का ब्रेन देखिएगा, तो इसी तरह की धारी बनी हुई मिलेगी, इसलिए मियंड्रिना को ब्रेन कोरल कहा जाता है। अब ये देखिए ये एनिमल है, कोई शेषनाग जैसी चीज़ नहीं है। इसे सी पेन या सी फीडर कहा जाता है, पेन्नाटूला है ये, यह सिलेंटेटा है। यह ट्यूबीपोरा है, यानी इसमें लंबी लंबी नली का समूह दिखाई पड़ता है। और यह है लाल कोरल, कोरेलियम, इसी का मैंने चर्चा किया कि इससे लाल मूंगा का निर्माण किया जाता है। अब सिलेंटेटा के बाद एक छोटा सा माइनर फाइलम है टीनोफोरा, इसे कॉम्ब बियरर, कॉम्ब जेली, सी लैंटर्न इत्यादि नाम से जाना जाता है। इसमें बड़ी मोटे तौर पर गोल एप्पल या पियर के आकार का कम से कम 1 मिलीमीटर और अधिक से अधिक 1.5 मीटर डायमीटर के ये एनिमल्स होते हैं। ये अलग अलग तैरने वाले होते हैं। इनके शरीर पर 4 दिशाओं से एक एक जोड़ा बनाते हुए 8 पट्टियां पाई जाती है, जिस पर आपके टूथब्रश की तरह सीलिया के कई सारे रोज पाए जाते हैं। एक रो का सीलिया एक साथ बीटिंग करता है, दूसरे रो का थोड़ा देर बाद, तीसरे रो का और बाद, इस तरह एक धारी में सिंक्रोनस और अलग अलग धारियों में एसिंक्रोनस मूवमेंट होता है। इन्हीं की गति से ये पानी में तैरा करता है। इसके अलावा अधिकांश एनिमल्स में 2 लंबे लंबे टेंटिकल्स होते हैं, वे टेंटिकल्स ब्रांच्ड होते हैं और स्टिंगिंग सेल से मिलता जुलता इनके ऊपर कोलोब्लास्ट नाम का एक सेंसरी सेल पाया जाता है, जिनकी मदद से यह फीडिंग में अपने शिकार को बेहोश करने के काम में इन सेल्स को लाते हैं। इन एनिमल में सबसे बड़ी विशेषता है कि अंधेरी रात में समुद्र की सतह पर यह जगमग जगमग चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनके शरीर से तरह तरह की रोशनी निकलती है और इस रोशनी के कारण इन्हें समुद्री लैंटर्न नाम दिया गया। सिलेंटेटा के विपरीत इनके अंदर स्टिंगिंग सेल नहीं है, इनके अंदर ब्रांच टेंटिकल है, कॉम्ब प्लेट है और साथ साथ 2 एनल पोर भी है जो ऊपरी सतह की ओर खुलता है, जबकि सिलेंटेटा में एनस नाम की कोई रचना नहीं पाई जाती है। सिलियाधारी एनिमल्स में यह सबसे बड़ा एनिमल है। ऊपर के तरफ इसके टॉप पर यानी एबोरल सरफेस पर स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, जो बॉडी को पानी में तैरते समय बैलेंस रखने में मदद करता है, संतुलित रखने में मदद करता है। यह एक एडवांस स्ट्रक्चर है। ऐसी ही रचना हमारे इंटरनल ईयर में भी मिलती है। ये एनिमल अक्सर बाइसेक्सुअल होते हैं, किसी में मेल ऑर्गन पहले मैच्योर होता है तो किसी में बाद में, किसी किसी में एक साथ मैच्योर होता है। तो जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन एक साथ मैच्योर हो जाए उनमें
सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन चाहे यूनिसेक्सुअल हो, प्रोटेंड्रस हो या प्रोटोगाइनस कंडीशन हो, उनमें हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इनके गोनेट्स इनके शरीर के अंदर विशेष प्रकार के इंटरनल कैनाल के अंदर पाए जाते हैं और एनस होते हुए गैमिट बाहर निकलते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंटल एक्सटर्नल होता है। अब देखिए, यह एक स्टिल फोटोग्राफ को मैंने मूवी में कन्वर्ट कर दिया है। ये दो अलग अलग स्पेसीज हैं। अगर ये आपको तैरते हुए दिखाई पड़े तो इसकी खूबसूरती से लोग एकदम सम्मोहित हो जाते हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं, बार बार बदलते हुए रंग में चमकते हुए दिखाई पड़ेगा। तो देखिए एक दूसरा वीडियोग्राफ, यह इसकी रचना है। सॉरी, यह वीडियो हैंग कर गया है, फिर कभी मौका मिला तो हम इसे दोहरा कर बनाएंगे। Clam jellies are ancient animals and voracious carnivores. यह संयोग है कि अब यह चालू हो गया, अब आप इसे देखें। This includes around 100 species. Their radially symmetric body contains 8 rows of comb-like plates of fused cilia that beat in order for them to move through the water. The comb rows diffract light to create a rainbow display as they swim. Some comb jellies additionally exhibit bioluminescence, or the emission of light by chemical reactions. Their body is over 95% water. When taken out of water, they literally look like a blob of jelly. About half of the comb jelly species feed by the use of a pair of tentacles that do not sting. ये सभी रोशनी इसके प्राकृतिक रंग है, जो ये बार बार बदलते रहता है। They stick to their tentacles
and they will draw the prey into their mouths. और इन्हीं खूबसूरत रंगों के कारण they can extend their stomachs to hold prey half their size. जब भी आप समुद्र की सतह को देखेंगे instead, their mouths तो पूरी सतह पर आपको ये जगमगाते हुए मिलेंगे. इसी चमक के कारण इन्हें समुद्री लैंटर्न सी लैंटर्न भी कहा जाता है. Some species remain on the bottom, creeping along the ocean floor, or living on other animals. Most possess a gravity-sensitive structure called a statocyst that gives them a sense of up and down in the water. They have no brain, but contain a loose network of nerves called the nerve net. Ctenophores typically prefer warmer waters in temperate and tropical areas, near the surface in both shallow and deep habitats. These jellies can be quite invasive and their swarms can drastically change ocean ecosystems. Overfishing has caused an increase in populations of ctenophores because of less predation. All cone jellies are hermaphrodites. Eggs and sperm are cast into the water and fertilization takes place. सी कॉम के बगल से छोटे छोटे और भी एनिमल टाइनी एनिमल्स गुजर रहे हैं. इनमें से कई सारे इनके शिकार बन जाते हैं, भोजन बन जाते हैं. For more marine facts, click the subscribe button. तो इस तरह आपने डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन तीनों फाइलम का स्टडी किया. अब आगे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का पहला फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.